राघोपुर की बात है भैया, गांव ये बिल्कुल न्यारा, गांव ये बिल्कुल न्यारा। पल 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 ये रूप बदल, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा। ओ हो हो, बदल रही जब दुनिया सारी, बदले क्यों ना गांव रे। पढ़ी लिखी जब दुनिया सारी, अनपढ़ क्यों ये गांव रे। नदिया किनारे एक गांव रे, नदिया किनारे एक गांव रे। अरे माधोपुर की बात है भैया, गाँव ये बिल्कुल न्यारा। पल 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 रूप बदलता, बहती नदिया की धारा। अरे माधोपुर की बात है भैया, गाँव ये बिल्कुल न्यारा। पल 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 रूप बदलता, बहती नदिया की धारा। अरे माधोपुर की बात है भैया। अरे ओ ललनुआ, आया बापू, आई जाओ, बस भी करो, अब घाम तकड़ी है, तरीक सुस्ताई लो। अरे ये छाज भी तो आए ना घर से। अरे वारे मेरे शेरों, आ जा रे प्रकाशवा, आ जा, तू भी आ जा। अरे एक एक गिलास छाछ गले से उतरेगी तो तरावट आ जाएगी। बात में दम तो है बड़े भैया, प्यास के मारे गला भी सूखा जा रहा है। खेतन में काम करत वक्त हमका तो खाए पिए का होश नहीं रहा। हाँ ये तो है बड़े भैया। हे भगवान। अरे अरे बापू, उम्र गुजार दिन खेतन में काम करत करत, अरे तभी ना ही समझ सके। अरे किसान की जिंदगी में आराम नहीं न होत। अरे अपनी तो किस्मत ही ऐसा होते, जुते रहो खेतन में रात दिन कोलू के बैल की तरह। अरे जानत है, सब जानत है, ये बाल धूप में ऐसे सफेद नहीं हुए हैं। अब छाज तो पी ले भैया। पर एक बात है बापू, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है खेतों में, बड़ी राहत मिली बड़े भैया। अरे दाम भी तो अच्छा मिला है, थोड़ी सी रकम बाकी रह गई है, वो भी मिल जाए तो कौनो चिंता नहीं। शुक्र है, जब से साहूकार से कर्जा लिए हैं, दिल का धड़कना तेज हो ही गया था। 2000 का कर्जा कम तो होतना है, फसल डूब जाती तो कहां से चुकाती कर्जा। कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा ना बापू, साहूकार पूरा शैतान है, हालत में हाथ डालकर रोटी का निवाला तक निकाल ले, राक्षस कहीं का। अगर बुरा ना माने तो तुम दोनों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अरे जब पहले से ही पता था तो उससे कर्जा लिया ही क्यों था, और फिर उस वक्त ना तो तुमने किसी से बातचीत की और ना कोई सलाह मशवरा किया, और ले लिया 2000 का कर्जा। तो क्या हुआ, अरे वक्त बेवकत दुनिया कर्ज लेती है, हमाऊ लिए कर्जा तो का गुना किए, अब जब लिया है तो हमाऊ चुकाएंगे कर्जा। बात करते बेकार की। अरे ना ही बिठवा, गुस्सा ना ही, ये प्रकाशवा भी तो तेरा भैया है। देख रे प्रकाशवा, तू अच्छी तरह जानत है, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि इसके सिवा कुछ चारा ही नहीं था। ऐसा नहीं है बापू, अगर हम लोग मिल बैठ कर सोचते तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता, और फिर जब कर्जा लेना ही था तो मुझे या मोहन को साथ ले लेते। काहे, हमने कहा दुनिया नहीं देखी है, बात कर रहे थे बेकार की। एक बार फिर माफी चाहूंगा बड़े भैया। अरे दुनिया तो मैंने और आपने सभी ने देखी है, मगर इन मामलों में पढ़े लिखे का होना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, अपन तो आँख होते हुए भी अंधे, और पढ़े लिखे के होते चार आँख। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। तू कहाँ कहना चाह रहा है। अरे कहना ये चाहता हूँ बापू कि तुमने साहूकार से कर्जा लिया 2000 का, ठीक है, अब तुम्हारे अनपढ़ होने की वजह से अंगूठा कितने पर टेका ई का पता। अरे वाह, ये भी कोई बात हुई, जब कर्जा 2000 लेंगे तो अंगूठा भी तो 2000 की रकम पर टेकेंगे।
साहूकार कारोबारी है, कोई धोखाधड़ी थोड़ी करेगा। अजमानत है कि हम हैं पूरे अंगूठा छाप, मगर भगवान भी तो सबकी करनी देख रहा है, वो का साथ नहीं देगा हमरा। और नहीं तो का, बेकार में माथा खराब करत है, बात करत है बेकार की। बात बेकार की नहीं है, ये तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो, और फिर साहूकार की नियत में खोट है, ये बात तो गांव में किसी से छिपी भी नहीं। सोचिए तो, कहीं तुम्हारे अंगूठा छाप होने का फायदा वो साहूकार ने उठा लिया तो। अब जो काम हुआ ही नहीं बापू, तो होगी कहेगी फिक्र, बात करत है बेकार की, माथा खराब करता है। अगर तुम दोनों को मेरी बातें इतनी ही बुरी लगती है तो आगे से एक शब्द भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जब राह चलते वक्त आंखें बंद कर ली जाए तो ठोकर लगे तो किस्मत, और ना लगे तो किस्मत। किस्मत, बात करत है बेकार की। अरे ठहरो ना, हमेशा ही झगड़ते रहते हो। देखो बाबू, समझा लो उनको। कौन तमीज नहीं बात करे, कैसे बापू से बात करता है, कैसे बड़े भैया से बात करता है। एक बड़े हो गए तब भी हमको थप्पड़ मार देते। कासे कहीं अब कैसे कहीं हम, डरता है मनुआ, डरता है रे मन। कासे कहीं अब कैसे कहीं हम, डरता है मनुआ, डरता है रे मन। आखर समझे जो दुनिया को जाने, छापा अंगूठा जो अब क्या करे हम, कासे कहीं अब। ओ मोहन बाबू जी, हम आप ही को पुकार रहे हैं, सुनिए। रुकिए तो सही, हम आ रहे हैं अभी, रुकिए रुकिए। हम कब से आपको आवाजें लगा रहे हैं, एक आप है जिन्हें पलट कर देखने की फुर्सत ही नहीं। ऐसा नहीं है राधा, वो दरअसल दिमाग कहीं और लगा हुआ था। लो जी, कहते हैं दिमाग कहीं और लगा हुआ था, जरा हम भी तो सुने मोहन बाबू कि दिमाग कहाँ लगा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिमाग के साथ साथ दिल भी कहीं और ही भटक गया था। दिल की मंजिल कहाँ है ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो राधा। खैर जाने दो, और सुनो। हम क्या सुनाए, वो तो हम नदी पार से लौट रहे थे, आपको देखा सुरुक गए और सोचा कि आप ही कुछ सुनाओगे। जब तुम सामने होती हो राधा देवी तो सुनाने को कुछ बचता ही नहीं है ना, और मैं सुनाऊंगा नहीं राधा देवी, सुनूंगा। हाँ, कल का पाठ ठीक से याद हुआ क्या है, जरा सुनाओ तो सही फटाफट। बस मोहन जी बस, पूरे गाँव में आपको और तो कोई मिला नहीं पढ़ाने को, बस मिली तो एक राधा रानी, दो के पहाड़े से, क से कमला, र से राधा, अखबार पढ़ना, किताबें पढ़ना। अब ये बता दीजिए कि और क्या क्या पढ़ना है हमें। आखर की भाषा किसी बात तो और कोई भाषा समझते नहीं हमारे मोहन बाबू। आप हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहे ना? नहीं तो। अगर हम ज्यादा बोल गए हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। ऐसा क्या बोलती है तुम, पंगली कहीं की। सच मोहन जी, पारस हो आप, और आपकी छाया पड़ी तो मैं पत्थर भी कुंदन हो जाऊंगी, सच कसम से। क्या सच? बदले जो काया कुंदन है मैं, आखर जो जाना सोना है मैं, बदले जो काया कुंदन है साक्ष भई, देखो तुम्हारी हालत
मस्का मालिश बहुत हो गई बिरजू, कोई खास खबर हो तो बता। खास खबर तो है साहूकार जी, सुना है इस बार माधवपुर में फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार इलाके के दिन ही फिर गए। इलाके की बात छोड़ बिरजू, बात कर माधवपुर की। और माधवपुर के दिन तो जैसे हम चाहेंगे वैसे ही रहेंगे। अरे फसल अच्छी का क्या, इन अंगूठा छापों के दिन तो तब फिरेंगे ना जब हम चाहेंगे। और भला हम क्यों चाहेंगे भाई हैं? यानी के अपने माधवपुर में ठहरे तमाम अनपढ़ जाहिल लोग हैं भाई। पढ़ने लिखने हमने किसी को दिया नहीं, ना कोई पाठशाला चलने दी, ना कोई मदरसा लगने दिया। ये मैं जानू। क्या जाने भाई तू? मदरसा तो लगने ही नहीं दिया। जब अपने गांव का बाल गोपाल ही नहीं पढ़ता तो फिर बड़े बूढ़े क्या पढ़ेंगे? अरे वही तो सरकार, वही तो। अरे साहूकार जी के रहते भला कोई कैसे पढ़ लिख सके है? और फिर पढ़े लिखे को लेकर तमाम तरह के डर भी तो बिठा दिए गए माधोपुर के लोगों के दिलों के अंदर। हाँ, याद है, सब याद है। मैं तो ये जानू सरकार के पढ़ने लिखने से बच्चे बड़ों के कहने में नहीं रहते। पढ़ाई लिखाई औरत जात का दिमाग खराब कर देती है। गांव के जो छोरे छोरियां पढ़ लिख जाते हैं गांव छोड़कर शहर की तरफ भाग जाते हैं और फिर पलटकर अपने बूढ़े माँ बाप की खोज खबर तक नहीं लेते। शहर जाकर या तो शहर की चमक दमक में पगला जाते हैं या फिर किसी गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। दूर अरे सब हवा तो हम लोगों ने साहूकार जी के कहने पर फैलाई हुई है। क्यों साहूकार जी? अरे चुप, सिर्फ साहूकार साहब की बात ही क्यों? मैं ये जानू पीढ़ियों से यही होता चला आया है। कम से कम माधवपुर की तो यही कहानी है। मैं दुनिया की बात तो जानता नहीं लेकिन माधवपुर में पोथी बाजता मुझे कोई नजर नहीं आया। हाँ भूल से दो चार लोग पढ़ लिख गए तो नकार खाने में तूती की आवाज भला कौन सुनता है। मगर एक शंका मेरे मन में अभी भी है सरकार। वो क्या? अब जबकि फसल की बिकवाली से यहाँ के गरीब किसानों के पास चार पैसे आवेंगे तो क्या होगा? अरे जब आएंगे तब बात करेंगे, वैसे भी तो इनकी फसल हम ही खरीदते हैं ना, या फिर हमारे भाई बहन हैं। सौ के हजार और हजार के दस हजार कैसे बनाए जाते हैं ये भला हम साहूकारों से अच्छा और कौन जानता है। वैसे आधा गांव कर्जदार है अपना भाई। सरकारी कागजों पर अंगूठे छापे हुए कागजात हमारी तिजोरी में बंद हैं। ये मैं जानू भाई। कर्जा चुकाने आने तो दे, फिर देखा जाएगा किसके नसीब में क्या क्या लिखा है। आने तो दे एक बार तू है। अरे भैया, ए डाक बाबू, अरे तजी की यहाँ तो आओ। भागीरथ काका कैसे हो? भैया हमारी कोई चिट्ठी पत्री? उम्मीद में लगे रहो काका, कौन जाने किसी दिन तुम्हारी चिट्ठी भी आई जाए। वैसे एक बात तो है काका, जब से तुम्हारा बेटा ललित गांव छोड़कर शहर को गया तब से तो जैसे गांव को बिल्कुल भूल ही गया, ना ही आज तक खुद लौटा और ना ही कोई चिट्ठी पत्री भेजी। वैसे एक बात बताओ काका, अगर गलती से किसी दिन उसकी कोई चिट्ठी आ भी गई तो उसे पढ़वाओगे किससे? तुम्हें तो आखिर का ना उल्टा पता है ना सीधा, और वैसे भी इस गांव में पढ़े लिखे हैं ही कितने, गिनती कई तो है। हाँ सो तो है, मगर भैया। अरे अगर मगर को छोड़ो भागीरथ काका, और जल्दी पढ़ने लिखने का कोई फैसला कर डालो इससे पहले कि तुम्हारे बेटे की शहर से कोई चिट्ठी आए और तुम्हारे हाथ पांव फूले। मेरी मानो तो आज ही मास्टर बाबू से मिल लो और पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। अरे डाकिया बाबू वाह, चार साल में हमारे बिटुआ की एक पाती तो ला नहीं सके और आए दिन फोकट में भाषण पिलाते हो सोलग से। अरे जब चिट्ठी ही नहीं आनी है तो भला हम काहे पढ़े लिखे? इस बुढ़ापे में अपनी माटी खराब करवानी है क्या? और फिर लोग ये ना कहेंगे बूढ़ा तोता राम राम सीख रहा है। ठीक है काका, अगर पढ़ने लिखने से तुम्हारी मट्टी खराब होती है तो मत पढ़ो लिखो, रहो यूं ही कोरे कागज बनकर, अपने राम चले अपनी राह। जय राम जी की। अजीब है ये माधोपुर और अजीब है यहाँ के लोग, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई।
मगर ये वहीं के वहीं, उस पर अकड़ देखो कि पढ़ेंगे लिखेंगे बिल्कुल नहीं। वाह रे माधोपुर वालों, वाह तुम भी अजीब हो, वाह। हे भगवान, कब तक अपने बिटवा की बाट जोता रहूंगा भगवान, उसकी कोई खबर तो दे, कोई चिट्ठी पत्री कुछ भी तो नहीं है भगवान। ललित, अरे कहाँ गया रे तू? अरे ललनवा, इधर तो आ। अरे वाह, सब प्रभु की कृपा है, कर्ज चुकाने वास्ते रकम तो आई गई हाथ में, वरना सूद भरते भरते कमर ही टूट जात। हाँ बापू, रकम तो आई गई हाथ में, मगर एका गिनना टेढ़ी खीर है, गिनती हुई जात तो अच्छा हो। साहूकार बड़ा काइया आदमी है, धोखा हो सकत है। अरे आप भगवान पर भरोसा रख, अपड़ को तो दूसरों पर यकीन करना होता है, और ये महानुभाव भी तो दिखाई नहीं दे रहा। और पकसुआ, मैं यहां हूं बापू। लो, ये भी अच्छे वक्त पे आ गया बापू। बोलो क्या बात है बापू? अरे प्रकसुआ, साहूकार का हिसाब चुकाना है, ये रकम तो गिन दे भाई। कौन जाने भैया, साहूकार का कर्जा कितना और चुकाओगे कितना। खैर जाने दो, ये रुपए मैं गिन देता हूँ। बस शुभ काम में चार पकड़ टोक मत लगा, ये पढ़े लिखे की ही खराबी है बापू। काम करे थे कन्नी का और एहसान जताते हजार रुपया का। अरे बस रे बस बिठुआ, ठंडा हुई जा, कहीं फिर मत उलझ जाना। परकसुआ जरा गिन तो। ठीक है बापू, गिने देता हूँ। 100, 200, 300, 400, 500। कुछ नहीं हो सकता इन माधोपुर वाले, ये रहेंगे ऐसे। क्या बात है डाके बाबू, अरे क्यों कोस रहे इन भोले भाले माधोपुर वालों को? भोले भाले माधोपुर वाले नहीं, अनपढ़ माधोपुर वाले कहो प्रभाकर बाबू। मेरा तो दिल दुखता है गांव की ये हालत देखकर, और साथ ही गुस्सा भी आता है इन माधोपुर वालों पर। अरे जब ना पढ़ने लिखने की कसम खा रखी है तो तंगहाली और बदहाली तो आए दिन दरवाजे पर दस्तक देगी ही ना। वैसे एक बात कहूंगा अगर बुरा ना लगे तो, अनपढ़ है ये गांव, अनपढ़ों का गांव। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा डाकिया बाबू? अरे पढ़े लिखे भी तो इस गांव में है ना। हाँ हाँ है, मगर कितने, गिनती के ही तो है। एक आप है, एक मोहन है, एक मनोहर है, या दो चार और होंगे। चलो यही सही, जब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो और लोग भी पढ़ेंगे लिखेंगे। अब तुम तो देख ही रहे हो मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। बेकार की कोशिश कर रहे हैं आप प्रभाकर बाबू। अरे गांव की पाठशाला में यहाँ के बाल गोपालों को पढ़ाना चाहते हैं। सच सच बताइएगा मास्टर जी, आज तक कितनों को पढ़ा पाए आप? अगर गलती से किसी दिन आपकी कक्षा में दो चार बच्चे आ भी गए तो दो चार दिन बाद भाग भी तो लिए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ झूठ नहीं कह रहे हो तुम, लेकिन अभी मैंने हिम्मत नहीं आ रही है। ये कहते हुए आपकी जबान लड़खड़ा रही है मास्टर जी, क्या ये सही नहीं है कि अब तो आपको भी लगने लगा है कि आप पत्थरों से सटक रहे हैं? माफी चाहूंगा मास्टर जी, जबान का कड़वा जरूर हूं, मगर बात वही कहता हूं जो सही हो। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो क्षमा कीजिएगा। नमस्कार। साची कहूँ मैं तुम तेरे लोगों, बात को मेरी मानो, आखर आखर उजियारा है, उजली राह को जानो। साची कहूँ मैं, साची कहूँ मैं, पढ़े लिखे का ही जीवन है, शुरू करो अब पढ़ना। कैसे कबूतर कैसे कमला, आखर आकर गुनना।
आखर आखर गुनना। आ सरजू, आ आ जा। राम राम साहूकार जी। राम राम, राम राम। ला, क्या लेकर आया है सरजू? कर्ज को चुकान के वास्ते रकम लाए हैं साहूकार जी, गिन लीजिए। वैसे तूने बड़ी हिम्मत का काम किया है रे सरजू, हैं? कर्ज का बोझ जितनी जल्दी सर से उतर जाए अच्छा होता है साहूकार जी, वरना ही कर्ज शैतान की आंत की तरह बढ़त जात है। हाँ ये तो है रे लल्लन, वह तो मार होती है मुसीबत की, वरना लोग कर्जे के चक्कर में काहे को पड़े। वैसे एक बात और है लल्लन, हम साहूकारों का धंधा भी तो इसी से चलता है ना, वरना हमारे रुपये पैसों को तिजोरी में रखे रखे दिमाग यूं ही चाट जाए, क्यों है ना? हैं? अरे क्यों रे सरजू, तू लाया है 2000 रुपल्ली, अब बाकी का 18000 रुपए कब देगा? बाबू, मगर सरकार कर्जा तो 2000 का था ना? हाँ साहूकार जी, कर्जा तो पूरे 2000 का ही था, और महीने के महीने हम सूद की रकम चुकाते रहे। क्या खाद चुकाते रहे हो? कर्जा पूरे 20000 का और कहते हो 2000 रुपल्ली? कहा 20000? तू ही बोल लल्लन। आपका कौनो गलती लगी है साहूकार जी, कर्जा का रकम तो पूरे 2000 रुपया ही थी, आप अपने हाथों से गिन के दिए रहे हमें, और बापू भी तो अंगूठा 2000 पर छापे थे। हाँ 2000 की रकम पर ही तो ये अंगूठा छापा था हमने, आपको जरूर कोनो को गलती हो रही है। हाँ पढ़े लिखों को कोई गलती नहीं होती सरजू, गलती होती है अनपढ़ों से, समझे? ये देखो अपने कागजात देख लो, लिखे इसमें 20000 रुपए, देखो देखो देखो। ठहरो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। मैं सरजू वल्द मांगेलाल साहूकार चमकी प्रसाद से 20000 रुपए की रकम बतौर कर्ज ले रहा हूँ। ये कर्जा 6 महीने के लिए है, जिसके लिए मैं नियम से महीने का 5% ब्याज तो दूंगा ही, वक्त पर कर्ज अदा भी कर दूंगा। अगर मैं कर्जा अदा नहीं कर पाया तो साहूकार को ये हक होगा कि वो मेरी खेती जमीन और बैलों पर अपना कब्जा करके अपने कर्जे की वसूली कर ले। ये देखो ये है ना तुम्हारे अंगूठे के निशान, देख है ना? क्यों रे लल्लन, तूने भी तो गवाह के रूप में अपने अंगूठे की छाप लगाई थी, देख है ना, देख। हुजूर आपको पढ़ने में कौनो गलती लगी है? अरे गलती हमसे हुई है, कहता है गलती हमसे हुई है। अरे 20 साल से यही लेन देन का काम है मेरा, समझे? जाओ चले जाओ यहाँ से, मैं कहता हूं जाओ, चलो जाओ, वरना 2000 देखो अब 20 हुए हैं, चौराहे पर हम आन खड़े हैं, क्या अब करेंगे हम, क्या करें बोलो, ये कैसा हमने सौदा किया था,
छाप अंगूठा हमने कर जानिया था। कितना अजीब है ना ये सब कुछ। सरजू और लल्लन ने भला किसी का क्या बुरा किया था जो साहूकार ने उनके साथ ऐसा धोखा किया। मगर ये सब कुछ नया भी तो नहीं। जो पढ़ा लिखा नहीं आखर को नहीं पहचानता वो भला कैसे जानेगा कि कागज में लिखा सही है या फिर उसके साथ धोखा हो रहा है। अगर जिंदगी में पढ़ाई लिखाई है तो सब कुछ है, वरना तो जैसे सब कुछ राम भरोसे। तब फिर क्यों ना हम सब पढ़ना लिखना सीखें, साक्षर बने और सावधान रहें साहूकार जैसे लोगों से जो साक्षरता जैसे नेक काम में रुकावटें खड़ी करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह अनपढ़ों का ही शोषण कर सकते हैं, पढ़े लिखों का नहीं। मत भूलिए, साक्षरता ही एक ऐसा हथियार है जो निरक्षरता के अंधकार को चीर सकता है। हाँ, आखिर का सूर्य ही तो हम सबको प्रकाशित कर सकता है।